नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का शुभम सपोर्टर चैनल में पर्लवाइन के एक नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है कि पर्लवाइन की सोच क्या थी और आगे की सोच क्या है, और पर्लवाइन ने जो सोच लेकर आया था सभी पर्लवाइनरों के लिए, क्या वो अपनी सोच पे डिपेंड रहेगा या फिर मुकर जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें, और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, डॉक्टर वीरन सर हैं जो एमपी वाले हैं, आप लोगों को सारी जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें, और बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए देरी न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें की जो सिस्टम ने कहा, यानी कहा जाए कि जब सीट फंडिंग स्टार्ट हुआ था तो जिनको विश्वास था, जिनको होप था, जिनको उम्मीद थी कि मैम नहीं, हमें एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने वाला है सिस्टम, लोगों ने उसी वक्त लोगों ने सीट फंडिंग की। लोगों ने आनंद फानंद में आकर के जो एक्साइटमेंट के साथ थे, जिनको मालूम था कि आने वाला समय क्या होने वाला, लोगों ने रात भर एक एक जगह पे 20-20, 50-50 लोग बैठ करके सीट फंडिंग की। लगता था जैसे कि कोई त्योहार, और उसका बेनिफिट आज आप सबको देखने को मिल रहा है कि महज 5,000 रुपया का वैल्यू आज लाखों में तब्दील हो गया है। जी, केवल एक डिसीजन की बात, और ये भी नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों ने ही सीट फंडिंग की थी। ऐसे भी लोग सीट फंडिंग किए जिनको एबीसीडी भी नहीं आता है, जिनको क्रिप्टो का सी भी मालूम नहीं, जिनको बाइनेंस का बी भी मालूम नहीं, केवल केवल विश्वास के प्रति, विश्वास के प्रति कि हाँ सिस्टम ने पहले भी हमें कुछ दिया है तो आने वाले समय में भी हमें देगा। और वो चीजें आप देख सकते हैं, जो लोगों ने जुलाई लास्ट में सीट फंडिंग की महज 5,000 रुपए से, उसकी वैल्यू आज अगर आप करना चाहे आप 80,000 का भी, तो 5,000 की वैल्यू का आप मुकाबला आज नहीं कर सकते। इसे कहते हैं राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना, और वो हमारे और आपके समर्पण की भावना, पॉजिटिव वे की भावना की वजह से ये सब हो पाया। हमने जब भी इस पर्लवाइन को ज्वाइन किया, हाँ मुझे समय लगा, हमने 45 डेज हमने किसी को फॉलो अप कराया, यस मैंने किसी को तकलीफें दी, लेकिन जिस दिन मैं ज्वाइन हो गया उसके बाद से मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा हमारा कौन ऑफलाइन है, कौन कर रहा है, नहीं कर रहा नेबर, कौन यूट्यूबर है, कहां से मैसेज मिलेगा नेबर। जब एक बार इंसान जब सही वे में डिसीजन लेता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। तो आज आप देख सकते हैं कि सिस्टम ने आपको कितना बार आपको सौगात देने की कोशिश की है। आपको सिस्टम ने टीपी के माध्यम से टोकन फार्मिंग करने की भी मोहलत दी थी, समय दी थी, उसमें भी लोगों ने गंवा दिया। उस समय भी लोग इंतजार करते थे कि सीएमसी पे आएगा तो मैं कुछ करूंगा, आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सीएमसी पे आएगा तो कुछ करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम आपको आज के डेट में देख सकते हैं कहां से कहां लेके चला गया। जो हमारा प्री सेल चल रहा है, जो अभी भी आपको सीट फंडिंग में 50% मिल रही है, कम नहीं है, टोकन फार्मिंग में आपको 100% मिल रहे हैं, कम नहीं है, आपको 75 रुपए का आपको डीपी सिस्टम ने 89 रुपीज में दिया। यहां कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आपकी डीपी जो आने पौने भाव में आप बिक्री कर रहे थे 10-12 रुपया में, उस डीपी को सिस्टम ने 89 रुपीज में आपसे ली है, और उसके जगह पे आपको बीयूएसडी रिलीज हो रहे हैं, और उसी बीयूएसडी के माध्यम से आपको हीरे मिलने वाले हैं, डायमंड मिलने वाले हैं, पीबीसी में आपका टोकन मिलने वाला है सीट फंडिंग में जाने के बाद। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने कम से कम हजार डीपी के माध्यम से सीट वैल्यू में नहीं डाला। फिर भी लोगों के पास विश्वास नाम की कोई चीज, लोग बंदर तो माफिक जंप कर रहे हैं इधर से इधर, पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है,
रातों रात लोग पेशेंस खो पा रहे हैं, खो दे रहे हैं, और ऐसे भी व्यक्ति जो क्रिप्टो के जानकार हैं, जो क्रिप्टो के जानकार हैं, ऐसे भी लोग अपने आपा खो बैठ रहे हैं रातों रात कि मुझे नहीं पूछना, मुझसे नहीं बोलना भाई, लिक्विडिटी कहाँ गया। लोग हमारे पीबीसी मीटा की तुलना एक एरो गैरो टोकन से कर रहे हैं, मीन कॉइन से कर रहे हैं, तरल टोकन से कर रहे हैं, ईसीटी से कर रहे हैं। साहब ये सिस्टम विश्वास का प्रतीक है और ये 2015 से चल रहा है, इससे लोगों ने करोड़ों अरबों रुपये बनाए हैं और आज भी लोग 50 लाख 60 लाख की वैल्यू के बीएसडी के माध्यम से लोग टोकन फार्मिंग कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे करोड़ों रुपया के सीट फंडिंग की है सिर्फ सिर्फ विश्वास के ऊपर, आस्था के ऊपर, समर्पण की भावना के ऊपर, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि यस अगर पर्लवाइन डिविडेंड के माध्यम से, मैं पीवी मिंट के माध्यम से 200 गुना दो बार दे गया, 180 गुना दे गया, तो वाई नॉट की 10 गुना 15 गुना क्यों नहीं दे सकता है 2 से 4 महीने में। और वही हुआ आपके सामने, आप देख सकते हैं कि सिस्टम ने जुलाई से लेकर अभी तक आपको कितना गुना दे दिया। मैं मानता हूं कि फ्लक्चुएशन होगा, थोड़े से अप डाउन होंगे, और अगर सिस्टम, अगर हमारा पीबीसी मेटा का रेट अप डाउन हो रहा है तो आपकी भलाई के लिए हो रहा है। जी हाँ, अगर आप $9 में लेकर के अगर टोकन फार्मिंग कर देते हैं तो वहीं पे सिस्टम आपको 12 पॉइंट समथिंग के हिसाब से आपको एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ भी आपकी 30-40% की आपकी बेनिफिट है, आपका यहाँ भी बेनिफिट है, हर जगह से सिस्टम आपको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम है कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है, हम है कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि तो हम अपना कान दूसरे को दे बैठे हैं। कौवा कान ले गया, कौवा को देखेंगे, कान को नहीं देखेंगे, इसी आज की स्थिति हो गई है। सिस्टम को नहीं देखेंगे, पेशेंस नहीं देखेंगे, लोगों ने बोल दिया कि कौवा कान ले गया तो कोना कौवा को देखेंगे, कान को नहीं देखेंगे। साहब अपने कान को देखिए, ये पीवीसी मेटा ऐसे नहीं आया हुआ है, इसका जो कैलकुलेशन है, इसका जो एक्सेल कैलकुलेशन सीट है, जो डिजाइन किया हुआ है, पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो की दुनिया में इस प्रकार का सीट फंडिंग टोकन फार्मिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं भी दिखा देंगे, मैं आप जो बोलेंगे करने के लिए मैं तैयार हूं। ये ऐसा कैलकुलेशन है कि आपको एक दिन इतना अमीर बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, न चाहते हुए भी आपको सिस्टम अमीर बनाना चाहता है। जी हाँ, आपको न चाहते हुए भी आपको सिस्टम अमीर बनाने के लिए एक्सेल शीट तैयार कर लिया है। आपने बहुत लोगों को सीट फंडिंग कराया, क्या उसमें से कुछ लोगों को टोकन फार्मिंग कराई थी? नहीं। क्या आपने कोशिश की? नहीं। क्या आपने उसके बारे में कुछ सोचा था? नहीं। लेकिन यही पे सिस्टम आपके लिए सोच दिया, यही पे सिस्टम ने आपके उत्थान के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपकी आर्थिक आजादी के लिए सिस्टम ने वो चीजें करके दिखा दी कि आपके टीम में आपको न चाहते हुए भी आपके लोग टोकन फार्मिंग करेंगे। इसके बावजूद भी लोग बंदर की माफी जंप कर रहे हैं इधर से उधर, खजाना ढूंढने में निकल चुके हैं। अरे साहब, खजाना की यहां कमी नहीं है, आप देखिए आपके पास कितने सारे सारे सोर्सेस सिस्टम ने दे दिया पैसा कमाने के लिए, आपको सीट फंडिंग से, आपको टोकन फार्मिंग से, आपको सीट वैल्यू से। आप क्रिप्टो की जानकारी लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कितना आपको इनकम चाहिए, कितना आपको इनकम चाहिए? आने वाले सिस्टम में, आने वाले समय में सिस्टम अपना ब्लॉकचेन लेके आएगा, हमारा खुद का, जिस तरह बीयूएसडी है उस तरह हमारा यूएसडी आने वाला है। आप हो सकता है माइनिंग, हो सकता है मोबाइल की वजह से आप माइनिंग भी कर पाए। सिस्टम के पास बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो की दुनिया में ऐसे अथाह रीजन पड़े हुए जिसके माध्यम से आपको संपन्न बनाएगा, लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आपको क्रिप्टो की जानकारी लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रबल होना पड़ेगा, आपको मंचों पे आना पड़ेगा, आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंजर से बात करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंजर से बात करना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा। आप अपने आप को बंदर के माफिक जंप करना छोड़ दीजिए, ये तो बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। बाहरी दुनिया में जाकर ऐसा नहीं है कि वहां आपके खजाना आपके पास पड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा, नहीं, वहां भी आपको काम करना पड़ेगा, वहां भी पसीना आपको
जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और लीग बनाने पड़ेंगे, वेट करना पड़ेगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम आपको कहीं टॉर्चर नहीं करता है, कहीं बोलने नहीं आ रहा है कि हमारे जानू साहब सीट फंडिंग कर दी है तो टोकन फार्मिंग कम करेंगे। नहीं नहीं, सिस्टम पूछने वाला नहीं है, सिस्टम आपको छोड़ दिया है, आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें वेट एंड वॉच करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम वेट एंड वॉच करते रह जाएंगे तो ऐसी हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा हमारा एज खत्म हो जाएगा। तो हमें वेट एंड वॉच किसी का भी नहीं करना है, किसी का भी हमें वेट वॉच नहीं करना है। हमें निरंतर मैदान में उतरना है, हमें निरंतर इन प्लेटफॉर्म पे आना है, हमें सीखते रहना है। आपको सिखाने के लिए हम सब तत्पर हैं, समय नहीं रहते हुए भी आपको सिखाया जाता है, आपको आपको आपके लिए बातें की जाती है, आपको रिचार्ज किया जाता है। आखिर हमें क्या पड़ी हुई है? यस, पड़ी हुई है, हम चाहते हैं कि अगर हमारे वजह से कोई एक व्यक्ति का भी अगर सपना जग जाता है तो लाखों लोगों के सपने को उजागर कर सकता है। और ये क्रिप्टो की दुनिया है साहब, आप क्रिप्टो की दुनिया में आ गए हैं, इसको आप इजी वे में मत लीजिए, इसको आज इजी वे में मत लीजिए। मैं मानता हूं कि कुछ लोग नाखुश है, लेकिन उसका भी सिस्टम आपको उधार कर देगा। आपको 1 PVC मेटा के जगह पर बहुत ही कम समय में आपको 5 PVC मेटा आप रिलीज कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है, आप पीवीसी मेटा को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि पीवीसी मेटा 0.1 का भी वैल्यू हजारों रुपए में जाने वाले हैं, लाखों रुपए में जाने वाले हैं। जिस तरह आप आज बिटकॉइन का देख सकते हैं, 0.1 भी लेने जाएंगे तो आपको लाखों रुपए पे करने पड़ेंगे, 0.1। जबकि एक दौर था कि 0.1, 0.2, 0.3 हम लोग ऐसे किसी को दे दिया करते थे। एक दौर था कि हम 0.1, 2, 0.3 BTC से हम मोबाइल रिचार्ज और टाटा स्काई रिचार्ज कर लिया करते थे जेपे के ऊपर। एक दौर था कि हम लोग BTC को कुछ समझते नहीं थे, क्योंकि फ्यूचर मालूम नहीं था, क्रिप्टो की दुनिया मालूम नहीं थी। लेकिन अब मालूम है, इसलिए हम आप सबको जागरूक करते हैं कि पीवीसी मेटा को संभालिए, पीवीसी मेटा को संभालिए। लोगों ने बिटकॉइन को छोड़ दिया, लोगों ने डच कॉइन को छोड़ दिया, लोगों ने इथेरियम को छोड़ दिया, लोगों ने BNB को छोड़ दिया। कुछ लोग पीवीसी मेटा को भी छोड़ रहे हैं, याद रखिएगा, 2 साल बाद कुछ लोग पीवीसी मेटा को भी छोड़ रहे हैं। तो ये दौर क्रिप्टो की दुनिया है, और हमारा पीवीसी मेटा जो रन कर रहा है वो मेटावर्स प्रोजेक्ट के ऊपर रन कर रहा है। जी हाँ, मेटावर्स के प्रोजेक्ट के ऊपर रन कर रहा है। और आप लोगों ने कल परसों देखा भी कि पैनकेक स्वैप पे इसका स्थान टॉप 10 पे है, और ये चीजें आपको मेटावर्स प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि टॉप पे अपना स्थान बनाएगा। मेटावर्स प्रोजेक्ट के ऊपर जितने भी टोकन क्वाइन पड़े हुए हैं 150 के आसपास, सबसे प्रथम स्थान पे पीवीसी मेटा का जगह होने वाला है, और इसका श्रेय आप सभी को जाएगा, न कि उन बंदरों को जाएगा जो जंप कर रहे हैं। उसका श्रेय आप सभी को जाएगा, क्योंकि आप सब इसके कर्ता धर्ता है, आप इसके मालिक है। पीवीसी मेटा का कोई मालिक नहीं है, पीवीसी के मेटा का मालिक आप और हम ही हैं। आप एक दिन इस चीज को समझ के देखिए कि ये आपका पुत्र है, आपका बेटा है 6 महीने का, जो आपको अभी इसी वक्त इतने कम समय में 6 से 7 महीने में आपको 12-13 गुना दे गया है। जी हाँ, आप जानते हैं 12-13 गुना देना बैंक में 50 से ऊपर साल लग जाते हैं इतना रिटर्न देने में। हम सब सब जानते हैं, हम सभी ज्ञाता है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सब कुछ हम लोग जानते हैं, और जानबूझ के भी हम सब अनजान हो जाते हैं। जब बारी आती है सीड फंडिंग टोकन फार्मिंग करने की, जब आती है प्लान लोगों को दिखाने की, जब आती है नेम लिस्ट बनाने की, जब आती है लोगों के स्टेंजर से बात करने की, जब आती है फॉलोअप करने की, कुछ चीजें हैं जो टूल्स है जो आपको बताए जाते हैं, उस टूल्स को आप रेडी कीजिए, उसके साथ आप मैदान में जंप कीजिए। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आज के डेट में आपके पास टीम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपके पास बहुत बड़ी टीम होने वाली है। कुछ भी नहीं करना, हर एक चीज आपको सारे टूल्स यहाँ पे दिए जाते हैं। आप थोड़ी बहुत ब्लॉकचेन के ऊपर जानकारी लीजिए जो दी जाती है, जो हार्डली आपको लिखाया जाता है, एक एक शब्द को लिखाया जाता है कि ब्लॉकचेन क्या है, किसने स्टार्ट किया, इसका उद्देश्य क्या है, इसका इससे हानि क्या है, इसके फायदे क्या है, इसका यूज कैसे, सारी चीजें आपको नोट कराई गई है। ऑनलाइन के बारे में आपको ऑलरेडी पहले से ही मालूम है, क्रिप्टो की जानकारी थोड़ी बहुत आपको मिली रही,
आप सो द प्लान सीखिए, इतना सारा इक्विपमेंट आपके लिए काफी, इतना सारे टूल्स आपके लिए काफी है किसी को प्लान दिखाने के लिए, समझाने के लिए। और इसके बावजूद भी, इतनी जानकारी होने के बावजूद भी अगर आपका टीम बिल्डअप नहीं हो रहा है तो अपने आप को टटोलने की हो सकता है, अपने आप से बात करने की हो सकता है, अपने आप से पूछने की हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि मेरे पास सारे टूल्स है उसके बावजूद भी लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, ऐसा क्या बात। तो अपने आप को टटोलिए, अपने आप को रेडी कीजिए, बी रेडी कीजिए, बी साथ बनिए, बी एक्टिव होइए। आप ही हैं सर्वा सर्वा, आप ही चाहेंगे तो सब कुछ अपने लिए कर सकते हैं, अपने जनरेशन के लिए कर सकते हैं। और ये पीबीसी मेटा आपके लिए नहीं आया है, ये पीबीसी मेटा आपके आने वाले 10 जनरेशन के लिए आया हुआ। जी हाँ, आप तो आबाद होंगे ही, आप तो अपने सपने पूरे करेंगे ही, आप तो अपने लाइफ लाइन के सपने पूरे करेंगे ही, लेकिन ये आपके जनरेशन के लिए आया हुआ है, आपके 10 पीढ़ियों के लिए आया हुआ है। आप वो रोल अदा करने वाले हैं ऑनेस्टी के साथ, जो एक एमपी एमएलए नहीं करता है, एक विधायक नहीं कर पाता है, एक मंत्री नहीं कर पाता है। लेकिन इसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, एज ए ऑनेस्टी के ऊपर आपको रहना पड़ेगा, एज ए एक ही जगह पे आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा। आप बबुल का पेड़ बो करके और आम का पेड़ की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर बबुल का पेड़ बोएंगे तो बबुल का पेड़ ही आपको समर्पित होगा। इस ब्रह्मांड में जो आप छोड़ेंगे, इस सृष्टि में जो आप छोड़ेंगे वही आपको मिलने वाला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप दो नाव पे सवार होकर के यात्रा नहीं कर सकते, यात्रा नहीं कर सकते। तो आप सब इस कंसेप्ट को समझिए, अध्ययन कीजिए, और आपको हर एक चीज आपको बताई जा रही है। आपको बैलेंस के बारे में हर एक चीज बताई जा रही है, आपको ट्रस्ट बुलेट के बारे में हर एक चीज बताई जा रही है, आपको ट्रेडिंग करने के लिए हर एक चीज बताई जा रही है, आपको ट्रेडिंग के जो भी पार्ट्स होते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, वो सारी चीजें बताई जा रही है। चार्ट एनालिसिस करने के लिए बताया जा रहा है, कैंडल्स चार्ट को बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है, हर चीज आपको जानकारी दी जा रही है। आप कैसे विद इन 5 मिनट्स में अपने पीबीसी मेटा को यूएसडी बना करके और अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, सारी चीजें तो आपको बताई जा रही है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो छोड़ा जा रहा है आपको, और ऐसी ऐसी जानकारियां आपको दी जा रही है कि वर्ल्ड के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह का नॉलेज नहीं मिल जाता है। फिर क्यों उदास बैठे हैं, फिर किसका इंतजार कर रहे हैं, फिर क्यों जंप करने, बंदरों की माफी क्यों जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर क्यों हम एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं कि फलाने ने क्या बोल दिया, फिर क्यों हम लोगों को हेजिटेट कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को, बच्चों को एडिफाई तक नहीं कर पा रहे, बच्चों को एडिफाई करने के जगह पे हम बरगलाने का काम कर रहे हैं। साहब, अपने आप को टटोलने की आवश्यकता है, एक अच्छा इंसान बनिए, एक प्रेमी इंसान बनिए। पृथ्वी पे आए हैं तो कुछ करके निकलिए, नहीं तो दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप एक अहम व्यक्ति हैं, आप अपना एक अहम रोल अदा कीजिए। इस संसार में आए हैं तो कुछ करके निकलिए, लोगों को आबाद कीजिए, लोगों को आर्थिक आजादी के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि आप ही हैं अपने समाज को सुधारने वाले, आप ही हैं अपने राज्य को सुधारने वाले हैं, आप ही हैं अपने देश को सोने की चुड़िया बनाने वाले, आप ही लोग, आपके सिवाय और कोई नहीं हो सकता है। एक एक व्यक्ति मिलकर करोड़ों व्यक्ति बनता है, और ये सब जो बीड़ा हम लोग उठाए हैं क्रिप्टो की दुनिया में, ये हमें हर घर पहुंचाना है, हर व्यक्ति को बताना है, हर एक व्यक्ति को ब्लॉकचेन के बारे में बताना है, हर व्यक्ति को क्रिप्टो के बारे में बताना है, हर व्यक्ति को टोकन फार्मिंग सीट फंडिंग को बताना है, हर व्यक्ति को बताना है कि ये हमारा जो कैलकुलेशन है, ये हमारा जो डिजाइन है, ये जो एक्सेल डिजाइन है, ये दुनिया में कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला नहीं है। कोई भी इसका नकल नहीं कर पाएगा, बहुत सारी कंपनियों नकल करती है, लेकिन मेरा पीवीसी मेटा का अभी तक कोई नकल नहीं कर पाया है, न कर पाएगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए सर से पसीने निकल जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्षमा चाहता हूँ, समय का अभाव है, मुझे ड्यूटी जाना है, और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। गोविंद साहब प्लीज, कमन स्टेज प्लीज सर, प्लीज। जबरदस्त सर, जबरदस्त सर, ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर, आपको जब योर दिए सर दिया। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सबको जो भी क्रिप्टो की दुनिया की जानकारी चाहिए, जो भी चार्ट एनालिसिस की जानकारी चाहिए, आप आइए, हमारा प्लेटफॉर्म है एलएनटी मंच, उस पे आइए और सीखिए, निस्वार्थ भाव से, फ्री सेवा में सीखिए। वो चीजें, सारी चीजें
जो सेक्रेट चीजें हैं बता पाते हैं, जो वही लोग बताते हैं जो आपके जेब से पैसा निकालते हैं। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया के जो भी हर चीज मैं आप सबों को बताने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप आइए, बेनिफिट उठाइए, नोट कीजिए, अपनी आर्थिक आजादी को संपर्क कीजिए, पीवी से लेकर आगे बढ़ाइए। वेलकम है आप सबका, वेलकम, थैंक यू सर। धन्यवाद करता हूँ मैं आपका कि वास्तविक साथियों की जगह में अगर शायद हम लोग होते तो इतने समय नहीं दे पाते, क्योंकि आप सभी जानते हैं ड्यूटी जाना भी रहता है सर को, उसके बावजूद अपना बहुमूल्य समय निकाल कर अपनी बहुमूल्य मार्गदर्शन हम लोग को बहुमूल्य नॉलेज के माध्यम से हम लोगों को मार्गदर्शन प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं सदैव। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और बिल्कुल सर आपने जो बताया, बिल्कुल आपके बताए हुए रास्ते पे हमारे जितने भी पर्लवाइन परिवार के साथी हैं बिल्कुल चलने का प्रयास करेंगे और चल भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।